चेहरा जैसे खिलता कमल, आंखें जैसे मोती की चमक, हंसी जैसे वाणी का राग, सोने जैसा दिल और पक्षी जैसी सौगात, तो फिर वो क्यों चली गई? मैंने कहा था उसको अभी तो बहुत चमकना बाकी है। आसमान को छूकर सबका नाम रोशन करना बाकी है। चांद की चमक को तो वो अपने पल्लू में बांध के रखती थी, ऐसे एरो गैरों से किसी से डरती नहीं थी। उसका जिक्र होता था बड़े बड़े अखबारों में, काम उसका ऐसा कि उससे पूरी दुनिया चलती थी। बिना गूंज और आवाज़ के अपनी बात कहने का दम रखती थी। जिंदगी अभी तो शुरू हुई थी उसकी, ना जाने जाने की इतनी क्या जल्दी थी। फिर वो क्यों चली गई? सितारा बनकर चमक रही थी, बेसहारा नहीं थी, अपने साथ औरों के भी सपने पूरे कर रही थी। चर्चे थे उसके यहाँ वहाँ, बस अपना काम मन से कर रही थी। इस चौंधियाती सी रोशनी में खुद को पहचान जाती थी, अपने आप को सितारा ना समझकर ज़मीन पे रहना चाहती थी। अच्छे बुरे बड़े छोटे सब चाहते थे उसे, और वो सबके दिलों में राज कर रही थी। अपने रास्ते खुद ही बनाए जा रही थी और उन पर चले जा रही थी। तो फिर वो क्यों चली गई? खुश थी औरों के सामने, अपना फर्ज निभा रही थी, न जाने अंदर से लग रही किसी आग को बुझाए जा रही थी। मायूसी दिख जाती थी कभी कभी उसके चेहरे पर, उससे पूछती थी तो वो कहने से डरती थी। मेरे सामने खूब हंसती गाती रहती थी, डर था शायद उसे बताने से, इसीलिए अकेले में मरती थी। एक दिन रोड पर बैठी दिखी मुझे, अपने सपनों की दुनिया में आते जाते लोगों को ताक रही, कुछ कहे बिना सवाल करती इस दुनिया में। हर रोज़ मौके की तलाश में होती कि किसी को बता दे उस चल रहे घमासान के बारे में, लेकिन नहीं होता था उससे ये सोचकर कि क्या कहेंगे लोग उसके बारे में। मैं जाकर बैठी उसके पास उसके सवालों के जवाब देने को, फिर चली गई वहाँ से कहकर बाद में मिलने को। हमेशा से चहकने वाली चिड़िया आज मायूस नजर आ रही थी, ना जाने किसके साथ अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़े जा रही थी। मेरी और उसकी आंखें ये सोचकर चुपचाप बातें करती थी कि ऐसा क्या देखा उसने उसकी दुनिया में कि वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। उदासी ने उसको चारों तरफ से घेरा था, नज़र नहीं आ रहा था कोई उसको, ये तो ज़िंदगी का मेला था। प्यार की कमी होगी शायद उसको, दोस्तों की ज़रूरत होगी शायद उसको, घर जाना होगा शायद उसको, तसल्ली चाहिए होगी शायद उसको, रोने के लिए किसी का कंधा ढूंढ रही थी शायद, माँ बाप का दुलार चाहिए होगा शायद, अपना सगा ढूंढ रही थी शायद। कोई नहीं मिला तो चली गई शायद। काश मैं उसको थप्पड़ लगा के पूछ पाती कि हुआ क्या है। एक अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण लेकर आती और पूछती मसला क्या है। काश मैं उसको वो प्यार दे पाती जिसे वो चाह रही थी, काश कोई उसको अपना मिल पाता जिसको वो सब बता पाती, काश उसके आखिरी वक्त पे मैं उसको मिल पाती, काश उसके साथ कोई रह पाता, काश मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहती, काश उसका आत्मविश्वास कोई हमेशा बढ़ा रहा होता। आज इन सफ़ेद कपड़ों में उसके जनाजे पर खड़ी होकर यह सोच रही हूँ कि काश ये होता तो वो नहीं जाती। उसको आखिरी विदा देने वाले लोग आए और कहते हैं कि अच्छी लड़की थी, अच्छी लड़की थी। अरे अच्छी थी तो कोई उसे समझ क्यों नहीं पाया, अच्छी थी तो कोई उसे गले से क्यों नहीं लगा पाया, अच्छी थी तो आखिरी वक्त में उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं हो पाया, अच्छी थी तो कोई उसे समझ क्यों नहीं पाया, अच्छी थी तो उसके माथे पे पड़ी शिकन को कोई मिटा क्यों नहीं पाया, और कहते हैं अच्छी थी। कुछ कहते हैं कमज़ोर होगी बेचारी, कुछ कहते होंगे पैसे नहीं होंगे बेचारी के पास,
कुछ कहते होंगे किया होगा कहीं मुंह काला, तो कुछ कहते हैं चाहिए होगा किसी लड़के का सहारा। कुछ कहते हैं बुजदिल थी लड़ ही नहीं पाई, कुछ कहते हैं इतनी सी बात पर चली गई दुनिया देख ही नहीं पाई, और ये लोग कहते हैं कि अच्छी लड़की थी। अरे यहाँ मैयत पे भी कोई सगा नहीं है तुम्हारा, लेकिन सबको देखना है तुम्हारी मौत का नज़ारा। इन सफ़ेद कपड़े, इस सफ़ेद कपड़े के कफन में जो तुम्हारा जनाजा निकल रहा है उसे देखने सब लोग आएंगे, और तुम्हारी मौत का बेफिजूल में दुख मनाएंगे। सच तो ये है कि कोई किसी का सगा नहीं होता, और ज़िंदगी तुम्हारी थी उस पर प्रश्न उठाने वाला कोई और नहीं होता। शायद इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम चली गई? क्या इतनी कमज़ोर हो गई थी, क्या इतनी अकेली हो गई थी, इतनी लाचार हो गई थी, इतनी बेसहारा हो गई थी, इतनी बेबस हो गई थी कि चली गई, सब कुछ छोड़कर चली गई, और वो चली गई।